तो बहुत बड़ी न्यूज आ रही है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट 2019 का जो रिजल्ट है उसको लेकर, छत्तीसगढ़ बोर्ड का, सीजी बोर्ड का, देखिए क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बोर्ड के नतीजे इसी सप्ताह, बहुत बड़ी न्यूज आ रही है छत्तीसगढ़ बोर्ड की, 10th क्लास की और 12th क्लास की, 10वीं 12वीं बोर्ड के, बोर्ड परीक्षा के नतीजे इसी सप्ताह जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल इसकी तैयारी में है। मूल्यांकन का काम पहले ही खत्म हो चुका है, रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों का कहना है कि 10 या 11 मई को नतीजे जारी किए जा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी न्यूज यहाँ से आ रही है कि 10 या 11 मई को 12th और 10th का रिजल्ट जारी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 10 को 12वीं का रिजल्ट आ जाए और 11 मई को 10वीं का रिजल्ट, या ये भी संभव है कि 10 को 10वीं का रिजल्ट आ जाए और 11 मई को 12वीं का रिजल्ट आ सकता है। पिछले बार हमने न्यूज में पढ़ा था कि 10 एक ही दिन 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ सकता है, तो ये भी हो सकता है कि 10 को दोनों आ जाए। इसके आगे है, पिछली बार बोर्ड के नतीजे 9 मई को जारी किए गए थे, तब 10वीं का रिजल्ट 68% था, जबकि 12वीं में 77% छात्र पास हुए थे। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक और बहुत बड़ी न्यूज आ रही है यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10वीं 12वीं बोर्ड के पुराने टॉपरों को लैपटॉप का इंतजार करना होगा। इसकी खरीदी पिछले साल हो चुकी है, लेकिन सम्मान समारोह आयोजित नहीं होने की वजह से उनके बीच लैपटॉप का वितरण नहीं हो पाया है। साल 2017 में बोर्ड परीक्षा पास करने वाले यह टॉपर पिछले 2 साल से सम्मान समारोह का इंतजार कर रहे हैं। साल 2018 के टॉपरों को भी पुरस्कृत नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर साल 2019 के नतीजे की बारी आ गई है। सूत्रों का कहना है कि साल 2017 व 18 के टॉपरों का सम्मान एक साथ होगा। साल 2019 के टॉपरों का सम्मान साथ होना मुश्किल है, क्योंकि 2 साल के अनुसार ही लैपटॉप की खरीदी हुई है। इस साल के बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा या फिर प्रोत्साहन राशि ही मिलेगी, अभी यह साफ नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता खत्म होने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संभावना है कि जून में सम्मान समारोह आयोजित किया जा सकता है। गौरतलब है कि 2 साल के करीब 100 से अधिक टॉपरों को सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ सम्मान नहीं तो फिर होगी देर। शिक्षाविदों का कहना है कि टॉपरों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाना है, इसमें 2 साल के टॉपरों का सम्मान होगा। इस साल फिर से नए टॉपर सामने आएंगे, यदि पुराने टॉपरों के साथ इनका सम्मान नहीं हुआ तो फिर इन्हें लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस साल में 2 बार सम्मान समारोह का आयोजन मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक इस साल प्रोत्साहन राशि व लैपटॉप की योजना में भी मानसिम से बदलाव की तैयारी है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर रिजल्ट आ रही है कि जो भी 8 तारीख का सोच रहे थे आने का कि 8 मई को रिजल्ट आएगा, वैसा अभी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि साफ साफ यहाँ लिख दिया है कि सूत्रों का कहना है कि 10 या 11 मई को नतीजे जारी किए जा सकते हैं। तो 10 या 11 मई को रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है, और यह भी संभावना है कि पहले 12वीं की रिजल्ट आए, उसके 1-2 दिन के बाद ही 10वीं का रिजल्ट आए। तो बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को सभी छात्रों सभी शिक्षकों के पास शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो यह जानकारी तो आप वीडियो के नीचे लाइक का बटन उसे दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।